बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं हुब्बस, इसको शवारमा ब्रेड भी कहते हैं। बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाई जा सकती है और बहुत ही मज़े की बनती है। जितनी आपने ये पिक्चर्स देखी हैं उन सब में यही हुब्बस यूज़ होगी। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो मैदा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 1 पैकेट यीस्ट का, 80 ml कुकिंग ऑयल और 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे नीम गर्म दूध का। पानी भी मैंने यहाँ पे नीम गर्म ही यूज़ करूँगी। बाउल में सबसे पहले जाएगा नमक, साथ ही इसमें जाएगी चीनी, यीस्ट, ऑयल और दूध डालने के बाद मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। पानी आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना और ना ही ठंडा पानी यूज़ करना है, उस वजह से आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी। डो को आपने बहुत अच्छे से गूंदना है, ना तो इसको बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। बस नॉर्मल सी आपकी अच्छी सी डो गूंदी जाए। डो तो यहाँ पे मेरी गूंद चुकी है। अब मैं बाउल की साइड्स पे ऑयल लगा लूँगी और डो को भी ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद इसको नैपकिन की मदद से डाम दूँगी और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको ओवन में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आप 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। 1 घंटे के बाद डो हमारी फूल चुकी है और अब मैं इसको दोबारा से 1-2 मिनट के लिए गूंदने के बाद इसके पेड़े बना लूँगी। ट्रे को मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। घर में ही शवारमा ब्रेड हुब्बस तैयार करना बहुत ही आसान है और ये बाज़ार की बनिस्बत बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको घर में बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में मैदा ले लिया है और एक पेड़े के ऊपर मैदा लगाने के बाद अब मैं इसको रोटी की तरह हल्के हाथों से बेल लूँगी। मैंने इसको बहुत मोटा नहीं रखना और ना ही बहुत पतला करना है, नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। और अब मैं इसको प्री हीट किया हुआ तवे पर डाल दूँगी। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बस के ऊपर हल्के से बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। शवारमा ब्रेड एक साइड से फूलना शुरू हो गया है और अब मैं इसको डायरेक्ट आग के ऊपर पका लूँगी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। अगर आपकी डो बहुत अच्छी गूंदी गई होगी तो आपकी हुब्बस भी बहुत अच्छे से फूलेगी। और इसकी साइड चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी इजी और क्विक शवारमा ब्रेड हो चुकी है तैयार। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर फेसबुक पेज एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। अगर आप ये रेसिपीज रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।